ग्राहक किसी भी बिजनेस का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। आपके ग्राहक ही लाभ हानि, मान सम्मान और यश की सीमा निर्धारित करते हैं। बिना ग्राहक पाए कोई भी व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन उन्हें अपनी सुविधाओं या प्रोडक्ट्स के लिए वापस लाना एक सबसे कठिन काम है। आपको ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें वापस लाने के उठाए जाने वाले कदमों को अपनाना होगा। चलिए जानते हैं ग्राहकों को वापस लाने के लिए बढ़ाए गए कदम क्या हैं। व्यापार को ग्राहकों के अनुकूल ढालें। अपने ग्राहकों को समझने की कोशिश करें। यदि आप सच में अपने ग्राहक को बार बार अपने बिजनेस पर वापस लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको समझना होगा कि आपका ग्राहक क्या चाहता है और आप क्या दे रहे हैं। लोग आपके प्रोडक्ट्स में दूसरे लोगों के मुकाबले अधिक रुचि क्यों ले। तो आपको बता दें कि ग्राहक किसी भी बिजनेस के हों, वो इन तीन कारणों में से किसी एक कारण के चलते वापस लौटते हैं। पहला, इस उम्मीद से कि आपके वहाँ उन्हें सस्ता और ऑफर वाला सामान मिलेगा। दूसरा, आपके पास वो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कहीं और नहीं मिले या फिर बड़ी मुश्किल से मिले। तीसरा, आप अपने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। ऐसे बिजनेस जिनकी पहचान ही संकट में हो या झूठे वादों के साथ बाजार में आते हों, वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। यदि आप पिछड़े इलाकों में जाकर पिज्जा बेचना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले से ही स्ट्रेटजी बनानी होगी। आपको इन प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट में जगह तलाशनी होगी। साथ ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि अधिक डिमांड वाले प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं। प्रतियोगिता के माहौल में आपको अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर खास ध्यान देना होगा। आपकी कॉफी सबसे बेस्ट है ये पैकेट में लिख कर बेचना या वाकई में आपकी कॉफी सबसे बेस्ट है उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना अधिक आवश्यक है। अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में फैले प्रोडक्ट से मिलान करें। यदि आपकी क्वालिटी अधिक अच्छी है तो सही, नहीं तो बेहतर करने की कोशिश करें। अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता और सर्विस को बनाकर रखें। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वो जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके मुकाबले कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया तो वो उसे भी यूज करके देखते हैं। यदि उन्हें उसकी क्वालिटी पहले वाले से बेहतर लगती है तो वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, नहीं तो वापस पुराने वाले पर लौट आते हैं। ऐसे में आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस दोनों पर ध्यान देना है जिससे ग्राहक आपके साथ बन सके। ग्राहकों से प्रतिक्रिया लें। किसी भी बढ़ते हुए बिजनेस के लिए अपने ग्राहकों की पसंद नापसंद के बारे में जानना सबसे जरूरी है। तो ऐसा करने के लिए ग्राहकों से बात करें या उन्हें एक कार्ड दें या एक फॉर्म दें जिस पर उनसे उनकी प्रतिक्रिया लिखवाएं। आप चाहें तो उन्हें मैसेज या ईमेल के जरिए भी फीडबैक ले सकते हैं। अपनी ऑनलाइन प्रतिष्ठा पर ध्यान दें। आजकल बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने और अपनी पहचान बढ़ाने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप भी अपने बिजनेस से जुड़ी वेबसाइट बनाएं और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अकाउंट बनाएं और लोगों से अपने बिजनेस से जुड़ी बात करें। इस वेबसाइट पर या अकाउंट पर अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी के साथ साथ कुछ बहुत ही बेसिक जानकारी जैसे कि दुकान, शोरूम या ऑफिस में काम के घंटे वगैरह की जानकारी रखें। अच्छी कस्टमर सर्विस दें। अपने कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ सम्मान से पेश आने की सीख दें। अपने बिजनेस के कुछ नियम बनाएं। सर्विस कब तक देनी है, कितने समय तक आपकी शॉप और बिजनेस का वर्किंग टाइम है, ये भी निर्धारित करें और इस पर बेहद संजीदगी से एक्शन लें। मार्केट के अनुकूल रूप से ढलने योग्य बने। मार्केट में जो चल रहा है, कस्टमर की जो डिमांड है, उस पर विचार करें, रिसर्च करें और उसके अनुकूल बनने की कोशिश करें। सच्चाई के साथ विक्रय करना सीखें। कस्टमर को कभी भी ठगने की कोशिश ना करें। हमेशा अपने व्यापार और कस्टम के साथ ईमानदार रहें। भविष्य की रणनीति बनाएं और आगे की सोचें। ग्राहकों को वापस बुलाने के लिए एक विशेष रणनीति बनाएं। यदि आपके ग्राहक कम हो रहे हैं या पुराने ग्राहक वापस नहीं आ रहे हैं या फिर नए ग्राहक बढ़ाने हैं तो इसके लिए खास तरह की रणनीति बनाएं। पुराने ग्राहक को वापस बुलाने के लिए डिस्काउंट ऑफर के साथ साथ उन्हें मैसेज करें या मेल करें। जो ग्राहक अधिक सामान खरीदे उसका एक निश्चित पैमाना डिसाइड करें। जैसे यदि कोई 2000 के ऊपर की शॉपिंग करता है तो उसे कोई एक प्रोडक्ट गिफ्ट देना या नेक्स्ट शॉपिंग में डिस्काउंट मिलेगा, कुछ ऐसा। नए ग्राहकों के लिए डिस्काउंट ऑफर की व्यवस्था करें। उस तरह से आप पुराने और नए दोनों तरह के ग्राहकों को साध सकते हैं। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाएं। आने वाले समय में किस किस चीज की डिमांड बढ़ेगी, आपको उसके अनुसार काम करना होगा। जो आपके व्यापार का स्वरूप है उसे कभी ना बदलें, बाकी समय के अनुसार बदलाव करें। मुफ्त वाईफाई सेवा प्रदान करें। डिजिटल के दौर में कोशिश करें कि अपने ग्राहकों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा दे सके जिससे पेमेंट करने में आसानी हो। सलाह, अपने ग्राहकों में रुचि दिखाएं, तभी आप अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकेंगे। ग्राहकों को अच्छा महसूस कराएं, अच्छे अनुभव प्रदान करें कि वो वापस आने से खुद को रोक ना पाएं। ग्राहकों की जरूरतों को पहले ही समझने की कोशिश करें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।